जय माता दी गाइज, माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आज भंडारा है मंदिर में और माता रानी का प्रसादी बन रहा है, और बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी मौका मिला है सेवा करने का। तो देखिए प्रसादी बन रहा है, वहाँ पर मैं भी हूँ और बाकी भक्त लोग भी प्रसादी बनाने में लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज प्रसादी बन गए और देखिए हम सभी लोगों को प्लेट दे रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं कोई भूखा नहीं जाता है, और सभी लोग को देखिए कि इस तरह, और काफ़ी भीड़ भी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये करके, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर मिला है। और क्या ही बताऊँ मैं कि कितनी खुशी हो रही है कि माता रानी ने मुझे भी ये मौका दिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और जब मैं देखती थी लोगों को तो, और देखिए आज वो मौका मुझे मिला है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और देख सकते हैं कि सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं माता रानी के सेवा में, और जितने भी भक्त लोग आए हैं देखिए सब लोग, मतलब क्या ही बताऊँ, वो भक्ति करने में ही होती है। क्योंकि जब हम भक्ति में जब डूब जाएंगे ना, तो वहाँ की जो आनंद जो होती है, वहाँ की जो खुशी होती है, वहाँ जो शांति मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। और आज दिवाली भी है तो इसीलिए हम मंदिर भी आ गए पूजा करने के लिए। और जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो कहीं मंदिर तो मैं क्या बोलते हैं सत्संग तो हम जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मंदिर जाती हूँ पूजा पाठ करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है मुझे यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम पूजा किए, और मुझे क्या ही बोलूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था और काफ़ी रात भी हो गई थी पूजा करते हुए, और मुझे घर भी जाना था, तो यहाँ पे पूजा कर लिए। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो मुझे रुकने के लिए भी बोले थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और रात भी हो गई थी तो मैं नहीं रुक पाई। और पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो यहाँ बाहर में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम इन सबको प्रसादी दिए। जब भी हम मंदिर आए और माता रानी की कृपा से मेरे पास जो भी कुछ होता है ना, तो मैं इन लोगों को देती हूँ। और जब मैं इन लोगों को देने के बाद में वो जो इन लोगों को चेहरे पर जो स्माइल होती है ना, वो देख करके ना बड़ा सुकून मिलता है दिल को, बहुत खुशी होती है। और सच बताएं तो हम देने वाले कौन होते हैं, ये सब माता रानी का कृपा है। और माता रानी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी ऐसा है, मिठाई की दुकान पे देखते हैं कितना टाइम लगाती है यहाँ पे। वो आज पूरा मार्केट ही खरीद के ले जाएंगे, आज पूरा मार्केट ही खरीद के ले जाएंगे। पूरा मार्केट तो नहीं खरीद के ले जाएंगे, लेकिन जो खरीदना हो तो खरीदेंगे। हाँ तो थोड़ा जल्दी करें। तो गाइस देखिए अभी दिवाली है तो सोची घर के लिए भी कुछ मिठाई ले लें, वही मैं मिठाई लेने के लिए आई थी, मतलब से आ रही पूजा करके, तो घर के लिए भी। और आप सभी से मिठाई ले चुकी है, अब पेमेंट कर रही है, चले। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, सारा सामान ले लिए। ये मिठाई ली है इसमें, कितना पूजा का सामान कुछ भी नहीं ली है, सामान भी ले ही रही है। तो बुआ दो दो जगह पूजा करना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है जब पूजा करने में। मिठाई में क्या खिलाए हैं जरा दिखाइए तो। जल्दी 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 जल्दी। मिठाई में क्या क्या लाए हैं? मिठाई है पूजा के लिए लाए हैं। क्या लाए हैं खोलिए जल्दी। हाँ लड्डू और पेड़ा है। लड्डू पेड़ा दोनों ला है। माता जी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है? ओ नहीं गुस्सा होगी, बेटियां भी माता का ही स्वरूप होती है, आपको पता ना है। बाय बाय बोलिए ना। दिवाली का दूसरा दिन मंदिर में भंडारा के लिए प्रसादी बन रहा है, और देख सकते हैं इधर प्रसादी भी बन रहा है और उधर पूजा का तैयारी भी हो रहा है, पूजा का तैयारी भी हो रहा है इधर। और यहाँ पे देखिए हम सजा रहे हैं
पूजा का थाली यहाँ बिठाएंगे हम टेबल के ऊपर, और यहाँ पे देखिए कि सब तैयारी कर रही है और पूजा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा थाली अच्छा से सजा लिए हैं, अभी जोत जलेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लगते हैं सभी को भोजन कराने के लिए। और गाइस भोजन कराने के बाद में हमारी प्रसादी करनी है, उसके बाद देखिए मैं सब लोग को मेरी पत्नी और मेरा मजाक उड़ा रहा है कि जल्दी जल्दी खाने के लिए बोल रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग कौन कौन है जो ऐसा मंदिर जाने में भक्ति करने में उनको अच्छा लगता है वो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए माता रानी का कितना अच्छा सा सजावट हुआ है, और यहाँ पे देख लीजिए पूरा तरीके बहुत अच्छा सजावट किए हुए थे। और यहाँ देखिए अब ये मत बोलिए कितना खाती है जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट कर दी हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे खाने के बाद में हम प्रसादी लेने के लिए अंदर गए, तो जो दादी जी है वो मुझे पकड़ ली और पूरा डांस करवाने लगी थी। तो पीछे से क्या हुआ कि मेरी जो पति थी तो बाद में आई सीतल और डायरेक्टली वीडियो करने लगी क्योंकि पहला शूट ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए दादी मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो उसको समझा भी रहे थे कि मुझे घर जाना है, तो नहीं छोड़ रही थी क्योंकि आज बोल रही थी कि आज हम यहीं रहना है। तो दादी के देखिए हम समझा रहे हैं कि दादी को बहुत लेट हो गया, मुझे जाना है। तो बहुत ही मुश्किल से दादी जी ने मानी, और फिर आप देख सकते हैं देखिए उसके बाद में हम निकले। और घर से भी बार बार फोन आ रहा था, तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ, क्योंकि जब भी हम मंदिर आते हैं ना या फिर कहीं भी भक्ति में कहीं भी जाइएगा ना, तो आपको वाकई में ही घर का याद नहीं आएगा, लगेगा कि हम यहीं पे कहीं रह जाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत ही सब शांति मिलती है। तो देखिए घर के लिए भी हम निकल गए, घर जा रही। गाइज जय माता दी।